शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा, श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा, श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा, श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा, श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा, श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्म कल्याणकारी है। यह आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है। 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। शैली इसकी सूत्रात्मक है, भाषा इसकी संस्कृत है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया है। महानुभाव, यह तत्वार सूत्र के ऊपर अनेक आचार्यों ने टीकाएं लिखी और विद्वानों ने भी लिखी। मैंने आपको आज तक आचार्यों की टीकाएं बताई, आज 2-4 विद्वानों की टीका भी बताता हूँ। पंडित जयचंद छाबड़ा जी द्वारा भाषा वचनिका नाम की टीका लिखी, पंडित सदासुख जी द्वारा भी भाषा वचनिका नाम की टीका लिखी, और एटा निवासी जगरूप सहाय जी वकील साहब जी द्वारा भी एक यहाँ पर इसकी टीका लिखी गई, और भी पंडित कैलाश चंद जी, पंडित फूलचंद जी, अनेक पंडित पन्ना साहेब लाल सत्याचार्य जी विद्वानों द्वारा इसकी समय समय पर अपने अपने भाषाओं पर इनकी टीकाएं लिखी गईं। इस प्रकार से हम देखते हैं एक तत्वार सूत्र ऐसा महान ग्रंथ है जिस पर संख्यात टीकाएं लिखी जा सकती हैं, लिखी गई हैं और आगे लिख सकते हैं। और आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने चिंतन मंथन से आगम के अनुकूल टीकाएं लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत विशाल है। महानुभाव, तत्वार सूत्र का मूल ध्येय यह है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और उस स्वरूप को प्राप्ति करने का क्या उपाय है। इस प्रकार से जानने की इसमें कला है। मैं कौन हूँ अपने बारे में जानिए, तो इसलिए 4 अध्याय जीव के बारे में दिया है। मैं कौन हूँ, इसके मेरा स्वरूप क्या है, तो स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके प्राप्त करने के उपाय क्या हैं, तो सम्यक चारित्र का पूरा वर्णन दिया हुआ है। यदि इस तरह से हम इस तत्वार सूत्र को देखें तो यह तत्वार सूत्र हमें अपना पहचान कराता है और पहचान करा करके मुक्ति पथ में ले जाने के लिए साधक बनता है। अभी तक अपन प्रथम अध्याय के सूत्रों में देख रहे थे, सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था, 5 ज्ञान का वर्णन किया, उसमें मति ज्ञान का कल लक्षण देखा था, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि जो निमित्त मति ज्ञान है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, यह अपन ने पढ़ा था। आज आगे का सूत्र देखते हैं। अब हम सब लोग तत्वार सूत्र का 15 नंबर सूत्र उच्चारण करेंगे। आपके यहाँ जिनवाणी होगी, आप खोल लेंगे। अवग्रहेहा वाय धारणः, अवग्रहेहा वाय धारणः, अवग्रहेहा वाय धारणः, अवग्रहेहा वाय धारणः। इस प्रकार से इसका उच्चारण है, और इसको समझने के लिए अपन बोर्ड के माध्यम से इसका संधि विच्छेद करते हुए समझते हैं।
तो इस प्रकार से देखिए तत्वार सूत प्रथम अध्याय पहले अध्याय का 15 नंबर सूत्र है। क्या उच्चारण है? अवग्रहेहा वाय धारणः, अवग्रहेहा वाय धारणः। इसको बहुवचन पढ़ना, बहुवचन में आपने पढ़े होंगे रामः बालकः, इस विसर्ग सहित। तो ये पूरा समस्त पद है, समास है, और समास का अंत में अपन ने विभक्ति लगा दी। तो अवग्रह का संधि करा तो अवग्रह, इससे निकला ईहा, ये जो है ना ईहा, तो ये हुआ ईहा। फिर अवाय और धारणा, इस प्रकार से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार इससे निकले। ये किसके भेद हैं? ये मति ज्ञान के भेद हैं। मूलतः मति ज्ञान के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार मूल भेद होते हैं। उत्तर भेद करेंगे तो पदार्थों की अपेक्षा से 336 भेद भी हो जाते हैं, पर अपन अब यहाँ मुख्य भेद पढ़ते हैं। मुख्य भेद का प्रसंग चल रहा है, हमको पहले मुख्य तक याद रखना चाहिए। तो अपन मति ज्ञान के चार भेद अपन ने यहाँ पे संधि विच्छेद करके जाना। अब इनका क्या अर्थ होता है इसे अपन समझते हैं। सर्वप्रथम अपन इसको संक्षेप में समझते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी, क्या लिखा है? मति ज्ञान के भेद, एक एक शब्दों में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर विशेष अर्थ अपन इसका करेंगे। मति ज्ञान के भेद, स्वरूप लिखा है और नीचे लिखा है कालांतर में। फिर अवग्रह, यह अवाय धारणा लिखा है। क्या लिखा है? स्वरूप। अवग्रह के नीचे क्या लिखा? सर्वप्रथम जानना, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को सर्वप्रथम हम जानते हैं तो जो दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है। ध्यान रखना, पहले क्या होता है? छदमस्त जीवों को, क्षयोपशमधारी जीवों को सर्वप्रथम क्या होता है? दर्शन, और फिर होता है ज्ञान। तो दर्शन तो हो गया, और मति ज्ञान ज्ञान का विषय है। तो मति ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? साविकल्प, और दर्शन जो होता है वो निर्विकल्प। सर्वप्रथम अपन को निर्विकल्प, फिर साविकल्प, इस प्रकार से ज्ञान होता है। ये साविकल्प में भी सर्वप्रथम, साविकल्प ज्ञान में भी साप्रथम, जैसे ये सामने पिच्छी रखी हुई है तो पहले वाइट दिखा, क्या दिखा? वाइट। तो जो ये वाइट पना देखा या जो पिच्छी का आकार दिखा, ये सर्वप्रथम जो दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, अपन उसको कहते हैं अवग्रह। फिर इसको जानने की चेष्टा करना है, ये क्या है, ये क्या है। तो लिखा ना इच्छा अभिलाषा, यह मतलब क्या होता है? इच्छा अभिलाषा, जो हमने प्रथम जाना उसको जानने की इच्छा करना, ये क्या है। जैसे गुरु का उपदेश मिला आत्मा, तो हमारे शब्द में आत्मा शब्द आया, तो ये हो गया अवग्रह, ये क्या हो गया? अवग्रह। सर्वप्रथम ज्ञान आया अवग्रह, अब उसको यह आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, तो इस प्रकार से उसकी इच्छा होना, उसकी अभिलाषा होना, उसको बोलते हैं इहा मति ज्ञान। और फिर क्या दिया है इसमें? अवाय, अवाय मतलब होता है निर्णय, निर्णय। तो किसी चीज से, हाँ ये पंख है, मोर के पंख है, ये पिच्छी है, तो निर्णय हो गया, ये आत्मा ज्ञानवान है, ऐसा निर्णय हो गया। तो ये लिखा है निर्णय, अवाय मतलब होता है निर्णय। धारणा, धारणा के नीचे क्या लिखा है? भूलना नहीं, क्या लिखा है? भूलना नहीं, जो निर्णय हो गया है अब उसे भूलना नहीं। नीचे लिखा है कालांतर में, तो कालांतर में मतलब क्या दिया है? यह वाला जो ज्ञान है इच्छा अभिलाषा, उसमें संशय विस्मरण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपन को यह हुई, इच्छा हुई, फिर भूल गए, इच्छा ही भूल गए, थोड़ा जानने का संशय हुआ फिर भूल गए, तो उसमें विस्मरण हो जाता है। यह भी क्या हो जाता है? विस्मरण हो जाता है। निर्णय, हमने किसी पदार्थ का निर्णय किया, संशय तो नहीं हुआ, निर्णय हो गया, पर विस्मरण हो जाता है। कोई चीज अपन ने निर्णय कर लिया था कि ये पदार्थ वो है, लेकिन अब उसमें संशय नहीं हुआ, लेकिन कालांतर में हमारी याददाश्त भूल जाते हैं, तो उसमें भूलना हो जाता है। धारणा क्या है? जिसमें ना संशय होता है और ना ही विस्मरण होता है। कालांतर, कभी काल में आप 5 साल बाद, 10 साल बाद आपने पिच्छी देखी, हाँ 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 ये पिच्छी है, मैं जानता हूँ, मेरी धारणा में ये पिच्छी आ चुकी है, अब मैं कोई संशय इसके प्रति नहीं है और कोई मेरा विस्मरण भी नहीं है। तो धारणा ज्ञान कैसा है? धारणा ज्ञान ऐसा है जिसमें कोई संशय नहीं है
और कोई विस्मरण भी नहीं है। पर अवाय वाले में क्या है कि जो निर्णय हुआ है उसमें संशय तो नहीं होगा, पर विस्मरण तो हो सकता है। ठीक है ना, आप चार ज्ञान को समझे संक्षेप में यहां पर। अब इसको थोड़ा सा अपन विस्तार में भी समझते हैं। तो सबसे पहले दिया अवग्रह, क्या परिभाषा मिलती है? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। अपन सिंपल में ये कह सकते हैं पदार्थ का हमारा ज्ञान से प्रथम मिलन, क्या परिभाषा बनेगी? किसी भी पदार्थ से आत्मा के ज्ञान का प्रथम मिलन होना, वो जो प्रथम मिलन हुआ है उसका नाम क्या है? अवग्रह है। ध्यान रखना ये दर्शन के साथ नहीं, दर्शन के अवान्तर होता है। किसके होता है? दर्शन के बाद होता है। तो दर्शन के बाद जो ज्ञान हुआ, दर्शन तो मात्र प्रतिभास होता है क्योंकि दर्शन निर्विकल्प है। दर्शन कैसा है? निर्विकल्प है, उसमें विकल्प आ ही नहीं सकता कि ये सफेद है, ये काला है, ये गोरा है, ये आदमी है, ये विकल्प आ ही नहीं सकता। दर्शन तो एक प्रतिभास है, बस एक बार में सब दिख गया। अब ये सफेद, ये काला और ये अवग्रह है, ठीक है ना। और अभी इसमें निर्णय होना ये वस्तु क्या है, तो इस प्रकार का निर्णय भी आना तो अवाय हो जाएगा। तो अभी अपन अवग्रह देख रहे हैं। जैसे चक्षु से सफेद रूप को देखना, दूर से कोई वस्तु अपन को दिखी तो चक्षु से दिखा सफेद रंग, क्या देखा? सफेद। पर ये कन्फर्म नहीं हो रहा है कि ये बगुला है या सफेद पतंग है, इस प्रकार से अभी निर्णय नहीं हुआ है। तो ऐसे अनिर्णित ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? पदार्थ का सर्वप्रथम ज्ञान से मिलन होना इंद्रियों के माध्यम से। एक बात जरूर ध्यान रखना, किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से बात चल रही है, कभी आंख से, कभी कान से, कभी घ्राण से। मतलब जैसे कोई सुगंध आई, कोई आपको खाना कहीं बन रहा सुगंध आई, तो सुगंध आई तो जो आया पहले दर्शन हुआ सुगंध से, फिर उसके बाद हाँ सुगंध है पर उसका निर्णय नहीं हुआ। तो जो निर्णय नहीं हुआ तो प्रथम जो ज्ञान हुआ उसे कहते हैं अवग्रह मति ज्ञान। क्या कहते हैं उसको? अवग्रह मति ज्ञान। और जब हम निर्णय करने की कोशिश करेंगे तो उसे कहते हैं ईहा। बोलते ना, क्या ईहा पोह चल रहा है भाई, क्या विचार विमर्श चल रहा है, क्या इसका आप निर्णय निकाल रहे हो? तो ईहा होना, ईहा में हमें इच्छा होती है, पदार्थ को जानने की इच्छा होती है। तो जो वो अभिलाषा है, जो इच्छा है, उसे अपन कहते हैं ईहा। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में जानने की जिज्ञासा, इच्छा का होना, इसको बोलते हैं ईहा। जो हमने शुरू में अवग्रह में सफेद सफेद देखा था, श्वेत श्वेत देखा था, अब इसमें प्रश्न आ रहा है ईहा में, ये है क्या? ये बंगला है या कुछ और सफेद वस्तु है? ऐसे ही मैंने पहले गुरु के मुख से सुना आत्मा, तो आत्मा तो सुन लिया, अवग्रह हो गया। पर अवग्रह के बाद जानने की इच्छा होना कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो उसके स्वरूप के बारे में जानना, ये इहा चल रहा है, उसके विषय में चल रहा है। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अवग्रह के बाद इहा हो, इच्छा हो। लाखों चीजें रोज अवग्रह रूप में होती है, हमको इच्छा नहीं होती है। आप बताइए, आप घर से मंदिर आए, आपको हजारों लोग रास्ते में मिले, दिखे, चल रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, आपको अवग्रह हुआ कि नहीं हुआ? पर आपको उनको जानने की कोई विशेष इच्छा तो प्रकट नहीं हुई ना, कि कौन व्यक्ति जा रहा है, कौन है, कौन है, ये गाड़ी कौन है, कि मकान किसका है, ये इस घोड़े बंदर किसके हैं, गाय किसके हैं, कोई इच्छा तो नहीं हुई ना। तो अवग्रह, लाख अवग्रह होता है तो 10 उसमें से इच्छा होती है जानने की, और 10 इच्छाओं में से एक दो का निर्णय हो पाता है तो अवाय में जाते हैं, और निर्णय हो जाने के बाद वो धारणा में जाता है तो कालांतर में उसको भूलते नहीं है। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा रोज होता है। अवग्रह कितना होता है? अवग्रह सबसे ज्यादा होता है मति ज्ञान का। हमारे ज्ञान में बहुत सारे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति प्रति समय झलकते हैं, पर झलकने के बाद उसमें हमारे अंदर ईहा पोह कितने के प्रति जाती है,
किसको विशेष जानने की इच्छा होती है उसमें से पदार्थ को, तो उसको अपन कहेंगे ईहा। और फिर ईहा हो जाने के बाद जब तक निर्णय ना हो, ईहा तो हो गई, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिज्ञासा हुई और फिर उसके आगे बढ़े नहीं, उसको वहीं छोड़ दिया, तो वहीं छोड़ दिया तो फिर वो निर्णय नहीं हुआ, वो वहीं पर छूट गया, ठीक है ना। तो जो निर्णय उसमें कर ले तो वो अवाय हो जाता है, और फिर जब निर्णय हो जाता है तो क्या हुआ, वो धारणा में चला जाता है। और धारणा की वस्तु ऐसी होती है कि कालांतर में हम उससे भूलते नहीं हैं, क्योंकि अब हमें कोई संशय नहीं, अब हम दूर से देख लेते हैं, हाँ बगलों की लाइन जा रही है, हाँ ये पतंग उड़ रही है, हाँ ये व्यक्ति चल रहा है, ये फलाना ही व्यक्ति है, मैं जानता हूँ इसकी पोजिशन कैसा चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, दूर से पहचान लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने उसमें ईहा की थी, अवाय किया था, और धारणा, अवाय का मतलब कोई विशेष चिन्ह से निर्णय कर लेना। अवाय का अर्थ क्या हुआ, कोई एक विशेष चिन्ह है, हम उस चिन्ह से अब हमने पहचान लिया कि पिच्छी ऐसी होती है, यहाँ पंख होते हैं, डंडी होती है, पिच्छी है, ये साधु की है। अब इसे बार बार हमें क्या बोलते कि अवग्रह कर, तो हमारी धारणा में चला गया, अब हमें कोई संशय इस विषय में नहीं है। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए भी अपन अवग्रह करते हैं, ईहा करते हैं, और कोई विशेष चिन्ह से आत्मा की पहचान हो जाती है तो अवाय हो जाती है। अब हम कालांतर में बोलते नहीं भी है शरीर अलग है और आत्मा अलग, ये शरीर का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। इस प्रकार से चार प्रकार का यह होता है। तो अपन ने देखा अवग्रह, फिर ईहा, और अवाय में क्या देखा, विशेष चिन्हों के द्वारा पदार्थ का निर्णय कर लेना अवाय कहलाता है। शास्त्र में उदाहरण बताते हैं कि नदी में, तालाब में हलचल हो रही है, तालाब में अंदर क्या हो रही है, हलचल हो रही है, तो ये क्या है, क्या है, क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है, ऐसी जिज्ञासा हो रही है, ठीक है ना। अब उसमें से एक सूंड निकली, थोड़ा सा सूंड का हिस्सा बाहर आया, हाथी के सूंड का हिस्सा बाहर आया, तो वो चिन्ह हो गया, वो अवाय ज्ञान हो गया, अरे ये तो सूंड है, मतलब इसके अंदर हाथी है, ये तो हाथी अंदर है, अब निर्णय हो गया, क्या हो गया, निर्णय हो गया, और धारणा में भी आ गया कि इस प्रकार की हलचल हो, सूंड देखे तो वो हाथी है, इस प्रकार धारणा का भी ज्ञान बन गया। तो यही इसी प्रकार बता रहे हैं, जैसे उदाहरण दिया है, जैसे पंखों के हिलने से, जैसे अपन देखा था सफेद, पहले अवग्रह में सफेद, फिर उसको जानने की इच्छा की, बगुलों को जानने की इच्छा की, तो वो ईहा, और अब उसके पंख फड़फड़ाए, पंख हिलने लगे, ओहो ये तो बगुला ही है, ऐसा निर्णय हो गया, ठीक है ना। तो महानुभाव इस प्रकार से पदार्थ को जाना जाता है। तो ये हो गया विशेष किसी चिन्हों से उस व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो जाना, निर्णय हो जाना, उसका नाम कहलाता है अवाय। अब चौथा नंबर क्या दिया है, धारणा। धारणा में क्या है, निर्णीत पदार्थ की अविस्मृति, जो भी हमने पदार्थ निर्णय कर लिया है, ये पिच्छी है, ये शास्त्र है, ये महाराज जी है, ये मंदिर है, जो कुछ भी हमारी धारणा में पहुंच गया है, उस धारणा को अविस्मृति, उसको भूलना नहीं, कालांतर में भूलना नहीं, उसका नाम क्या है, धारणा। इस प्रकार से यह वही बगुले की पंक्ति है जिसे प्रातः काल मैंने कल देखा था, ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने कल देखा था, ये वही मंदिर है जहाँ कल मैं दर्शन करने आया था, ये वही गुरु हैं जिसको मैं एक साल पहले इनके दर्शन मैंने किए थे। तो क्या हो गया, ये धारणा। तो मति ज्ञान से क्या फायदा है, बहुत फायदा है। इसलिए सम्यक अवग्रह हो, सम्यक ईहा हो, सम्यक अवाय हो, सम्यक धारणा हो, हमें तत्व को जानने के प्रति इच्छा होना चाहिए, हमें अपने आत्मा के बारे में जानने की इच्छा होना चाहिए, और जानने की इच्छा के साथ साथ अवाय भी होना चाहिए। कोई विशेष चिन्ह के माध्यम से हमें आत्मा के बारे में, धर्म के बारे में ज्ञान हो जाए, और कालांतर में फिर उस आत्मा का, उस मोक्ष मार्ग का, उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आनंद लो, उस सुख का आनंद लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चार बातें हुई। आचार्य श्री नमोस्तु। हे आचार्य श्री, अवग्रह और दर्शन में क्या अंतर?
दर्शन और अवग्रह दो चीज़ें हैं, उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने एक स्लाइड आई हुई है और इसमें अंतर देखते हैं, क्या अंतर लिखा हुआ है दर्शन और अवग्रह में। क्या लिखा है? दर्शन जिसमें जानना निर्विकल्प होता है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, दर्शन और ज्ञान समझ लीजिए, ये एक उपयोग के दो भेद हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन उपयोग दर्शन गुण की पर्याय है, ज्ञान उपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है। दर्शन उपयोग हर जीव को निर्विकल्प रूप से होता है, पांचों इंद्रियों से और मन से जो पहला किसी चीज का आभास जो होता है, प्रतिभास जो होता है, उसे कहते हैं दर्शन। और वो हमारे ज्ञान में रूप रस गंध आदि का जो ज्ञान में आया प्रथम अवस्था में, उसे कहते हैं अवग्रह। मति ज्ञान का पहला भेद, ज्ञान का सबसे पहला भेद में भी उसका पहला पाठ, उसे कहते हैं अवग्रह। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, दर्शन और अवग्रह। आप समझिए क्या लिखा है, दर्शन इसमें जानना निर्विकल्प होता है। क्या होता है? बिल्कुल निर्विकल्प होता है, दर्शन में बिल्कुल निर्विकल्पता है। अवग्रह क्या है? इसमें जानना साविकल्प होता है। साविकल्प का मतलब क्या है? ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये आदमी है, जो भी कुछ है वो विकल्पात्मक होता है, ओवेश निर्विकल्प होता है। दर्शनावरण, अब देखिए दर्शन में क्या लिखा है, दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से दर्शन होता है। दर्शन कैसा होता है? दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो सामान्य प्रतिभास जो होगा पांचों इंद्रिय और मन के माध्यम से, तो वो होगा दर्शन। अवग्रह में ऐसा नहीं है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम के निमित्त से, कौन से कर्म से? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से निमित्त से जो ज्ञान होगा वो अवग्रह ज्ञान होगा। अब देखिए उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष शून्य प्रतिभास होता है। कोई बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते उसने आँख पहली बार खोली तो उसे क्या हुआ? एक एग्जाम्पल है, सामान्य प्रतिभास हुआ। कौन क्या है ऐसे कुछ भी नहीं पता, एक सामान्य प्रतिभास हुआ, उसे कहेंगे दर्शन। उसे क्या कहेंगे? दर्शन। और ज्ञान में क्या है? यह रूप है, यह पुरुष है, ये माँ है, इस प्रकार से वो क्या हो गया? ज्ञान में आ गया, तो वो सविकल्प हो गया, वो अवग्रह में आ गया। ठीक है, बात समझ में आई ना? दर्शन और अवग्रह में क्या अंतर है? दर्शन अवग्रह का टाइम इतना बिल्कुल कम है, इतना कम है कि वो हमारे ज्ञान में पहुंच जाता है। हमें तुरंत कुछ देखा, हमको पीछी लगी, ये पंखा है, ये कूलर है, ये सब हमारी धारणा में जा चुका है। हम कोई नई वस्तु भी देखें तो इतनी तीव्रता से होता है कि हम अवग्रह का समय डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अवग्रह का टाइम कितना होता है। बिल्कुल इतना सूक्ष्म होता है कि तुरंत ही वो हमारा निर्णय हो जाता है, और निर्णय कभी गलत हो जाता है और कभी सही भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दर्शन और अवग्रह में अंतर है। नमोस्तु आचार्य श्री, इन चारों ज्ञानों की विशेषताएं क्या क्या हैं? इन चारों ज्ञानों की विशेषताएं हैं, पहली विशेषता तो यह है कि यह चारों ज्ञान क्रम पूर्वक होते हैं। क्रम पूर्वक मतलब पहले अवग्रह होगा, बाद में ईहा होगा, फिर बाद में अवाय होगा, फिर लास्ट में धारणा होगा। तो ये चारों ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए सूत्र में भी व्यवस्था इसी क्रम से दी गई है। जैसे सूत्र में व्यवस्था दी गई है क्रम से, तो ज्ञान भी क्रम से होता है। अवग्रह पहले होगा, फिर इच्छा होगी, फिर निर्णय होगा और फिर धारणा होगा। ठीक है ना? अवग्रह में निर्णय नहीं होता है, ईहा में निर्णय करने की भावना होती है, अवाय में निर्णय हो जाता है, और धारणा में जो निर्णय किया गया है उसे भूला नहीं जाता है। एक वर्ड समझ लीजिए, निर्णय। अवग्रह में निर्णय नहीं हुआ, ईहा में निर्णय की भावना है, और अवाय में निर्णय हो चुका है, और धारणा में निर्णय को कालांतर में नहीं भूलना, जो निर्णय हुआ। पहली विशेषता तो यह है।
दूसरी विशेषता यह है, क्रम से होने पर भी आगे वाला ज्ञान नियम से हो जरूरी नहीं है। जैसे अवग्रह हो गया तो अवग्रह के बाद यह अवाय धारणा हो जरूरी नहीं है, अवग्रह के बाद यह हो गया तो यह के बाद अवाय धारणा हो जरूरी नहीं है, यह भी हो गया अवाय भी हो गया और अवाय के बाद धारणा हो जरूरी नहीं है। तो आगे आगे के ज्ञान आगे आगे हो जरूरी नहीं है। किसी का अवग्रह होकर छूट गया, किसी का अवग्रह और यह ज्ञान होकर के फिर आगे अवाय धारणा नहीं हुआ, किसी को अवग्रह यह अवाय तक हो गया और धारणा नहीं हुआ, और फिर किसी को चारों की चारों हो जाते हैं। इस प्रकार से यह इसकी विशेषता है। एक बात और ध्यान रखना, यह ज्ञान संशय रूप नहीं है। जैसे पहला ज्ञान अवग्रह हुआ ना, तो हम अभी उसको जानने की इच्छा कर रहे हैं, तो जो पहला जो अवग्रह है वो संशयात्मक नहीं है, क्योंकि संशय ज्ञान तो कौन सा ज्ञान कहलाता है, वो संशय ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान में आता है, और ये ईहा ज्ञान तो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सम्यक ज्ञान की। और यहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो हम सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ईहा में जो संशय होता है वो संशय मिथ्या संशय वाला नहीं है। हम वस्तु को नहीं मान रहे हैं ऐसा नहीं है, वस्तु को तो हम मान रहे हैं, पर वस्तु को जानने का भी निर्णय नहीं हो पा रहा है वह बात अलग है। लेकिन वस्तु का अभाव मानना, वस्तु के स्वरूप को उल्टा मानना, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ज्ञान में अभी उसमें प्रकटता में स्पष्टता नहीं आ रही, इस बात का संशय है। लेकिन वस्तु का अभाव हो, वस्तु विपरीत हो, ऐसा हमारा इसमें संशय वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है। संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान का वर्णन है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार से एक बात और ध्यान रखना है, इसलिए हमें अपने को अच्छी चीज़ों को जानने की ईहा रखना चाहिए और अच्छी चीज़ों का चिन्ह से अवाय करके धारणा में लाना चाहिए। धारणा में ऐसी बातों को लाओ जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो। धारणा में किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना लिया, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति गलत धारणा बना ली, तो वह अनंत काल तक संसार में भ्रमण हो सकता है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी धारणाएं, पदार्थ कैसा है, आत्मा कैसा है, मोक्ष मार्ग कैसा है, वस्तु स्वरूप कैसा है, उसका अच्छी तरह से स्वरूप को जानो और जान करके धारणा को अच्छे से बनाओ। यही मति ज्ञान का सदुपयोग है। शेष विषय कल लेंगे। अब हम सब लोग जन्मानी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिंपल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हार्दविक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।